दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय 7:30 बज चुके हैं, बच्चे चले गए हैं स्कूल और बस हम अपने काम पर लग रहे हैं। रसोई मैंने संगवा दी है तो अभी मुझे करनी है ऑफिस में साफ सफाई, बाकी बाद में करूँगी। मम्मी अभी बात कर रही है फ़ोन पर अपनी बहन से और अभी उठी नहीं, मैं अंदर ही है। तो मैं सोच रही सारा घर तो मैंने कर दिया था ऑफिस में, तो यहाँ पे आज ऑफिस की भी कर देते हैं थोड़ी सी सेटिंग सी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ऐसे ही। और फिर सफाई सी करने में मुझे दिक्कत रहती है क्योंकि सारा सामान एक साइड ही घुसा हुआ था, तो ये बेड इस साइड कर देंगे क्योंकि अब एसी की ज़रूरत तो है नहीं, एसी तो चलाते नहीं, तो इस वजह से ये साइड में इन्हें बोल दिया मैंने, मौका करवा दो। मेरे से तो हो नहीं पा रहा था, भारी है ये, तो इधर ये कर देंगे। पहले उधर झाड़ू लग जाएगी, रुक जाओ 1 मिनट। करे करेगी बारे काट देगी उधर तक। अच्छा तो उधर वो नहीं हो जाएगा क्या? उरा काट से नहीं, उरा घुमा के लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज ऑफिस की भी कर देते हैं थोड़ी सी सेटिंग सी, क्योंकि काफी दिन हो गया ऐसे ही। और फिर सफाई सी करने में मुझे दिक्कत रहती है क्योंकि सारा सामान एक साइड ही घुसा हुआ था, तो ये बेड इस साइड कर देंगे क्योंकि अब एसी की जरूरत तो है नहीं, एसी तो चलाते नहीं, तो इस वजह से ये साइड में इन्हें बोल दिया मैंने, मौका करवा दो। मेरे से तो हो नहीं पा रहा था, भारी है ये, तो इधर ये कर देंगे। पहले उधर झाड़ू लग जाएगी, रुक जाओ 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं लग गई हूँ साफ सफाई करने में ऑफिस की। सोच तो उसी दिन रही थी लेकिन तब मेरे ये बेड भारी है और उधर मेरा फिर टाइम भी नहीं लगा, फिर ये भी आ गए थे तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो आज ये दोनों भाई थे, मैं कहा चलो कर देते हैं थोड़ा सा सेटिंग सी, और ये काफ़ी दिन हो गए की भी नहीं, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, सफाई अच्छी तरीके से हो जाती है, भले ही रोज़ हम कितना भी कर लो झाड़ू पोछा, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी सी बेड बुड के नीचे इकट्ठी रहती है, तो वो हटा के अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। तो यहाँ पे बेड दूसरी साइड कर दिया क्योंकि अभी इतना यहाँ पे तो बस सिर्फ कन्हैया लेटता है इस वाले बेड पे, और एसी वगैरह भी नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये था कि पहले गर्मी ज़्यादा थी तो सब लेट जाते थे, तो इस वजह से उधर करके इधर गद्दे डाल लेते थे, लेकिन अब नहीं ज़रूरत पड़ती। और यहाँ पे बस मैंने देखिए साइड में करवा दिया ये बेड, सोफे भी उधर ही लग गए साइड में, तो अब पोचा भी आराम से लग जाया करेगा। पहले क्या होता था कि मुझे ना बहुत दिक्कत रहती थी, इधर से सोफे हटाओ उधर से टेबल हटाओ ऐसे, फिर अच्छे से ना झाड़ू लग पा रही थी मेरे से ना पोचा, तो अभी थोड़ा हो जाएगा सारा। और फिर ये विंडो वगैरह भी मैंने झाड़ दी थी, इनमें पोचा सा लगा दिया था क्योंकि इनमें टाइल्स लगी हुई, मतलब अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर दी थी। और फिर यहाँ की सफाई होगी, उसके बाद फिर मैंने नहा धो के अपना पूजा पाठ करी, अपने काना को नहलाया, फिर मैंने नाश्ता बनाया, सबने नाश्ता भी कर लिया इस टाइम। अब मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग, और मम्मी देख रही है टीवी, गुड्डू के पापा अपना काम करने लगे, कन्हैया भी शॉप पे चला गया, और बस यहाँ पे मैं, सबने मतलब नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर लिया था, तो यहाँ पे बस अब किचन की क्लीनिंग रह गई थी करनी। यहाँ बस मैं करने लगी हूँ, सबसे पहले मैंने बर्तन इकट्ठे करे सारे, तब तक मैं अपना जो ये किचन का काम है, जो गैस वगैरह स्लेप है वो साफ करूँगी, और फिर मैं अपना बर्तन कर लूँगी। मम्मी देख रही है रामायण बार, मम्मी का बस टाइम कुछ तो मैं बैठ जाती हूँ उनके पास, अभी मैं काम में लगी हुई थी तो मैं रामायण या फिर सत्संग वगैरह कुछ चला लेती हैं टीवी में, चला देती हूँ मैं उनके लिए, तो मैं अभी मैंने रामायण चलाई हुई थी तो वो ही देख रही थी मैं वहाँ पर, और बस मेरे साथ भी यहाँ से बातें करती रहती हैं, आपको पता ही है खुली रसोई है तो बाहर ही बैठे ही, तो बस बातें भी कुछ ना कुछ हमारी चलती रहती हैं, और मैं अपना भजन कीर्तन भी सुनती रहती हैं। और बस देखो बड़े आदमी का टाइम ऐसा ही निकल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे बोर से तो हो ही जाते हैं, क्योंकि गांव में तो यह है कि घेर में भी चले जाते हैं, दूसरे घेर में भी, फिर एक दो कोई बाहर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो देखो हम बाहर इतना कोई जाते नहीं,
बस या तो इधर मेरे पास, फिर उधर इंदु के पास चल जाती है मम्मी। चलो फिर इतना जाता नहीं उनसे, तो इसलिए बस कोई लेके ही उधर जाता है और लेके ही इधर आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन होगी क्लीन। तो फ्रेंड्स मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, साफ सफाई भी हो गई और 12 ही बज गया है। मैंने वीडियो भी एक अपलोड कर दी और अब मैं चलती हूँ ऊपर। ऊपर फैलाएंगे गेहूँ, धूप निकल रही है अच्छी। मम्मी चली गई है, ये भी गई है, करेला मैं रखवा दूँ और वो सूख जाएगा। देख धूप अच्छी निकल रही है, बढ़िया निकल रही है, तेज। मम्मी नु कह रही बादल हो रहा है, तब भी नीचे ही लगो जा। बार बार ऐसा ही हो रहा, कभी धूप और कभी बादल सा। तो यहाँ ही रख देंगे हम, फैला देंगे कहा मम्मी है? मैं सोच रही ऊपर जा रही हूँ मम्मी। तो यहाँ इन्होंने रख दिया, बस मम्मी ने फैला देंगे, सूख जाएंगे अच्छे से। और देखिए मैं गेहूँ फैलाया आई थी, अच्छी हवा चल गई थी, मैंने और इसके पापा ने फैला दिए थे, मम्मी भी चली गई थी। तो मैं कभी सूख जाएंगे, कई दिन हो गए धुले हुए। तो अभी मौसम ऐसा ही, कभी बारिश हो रही थी कभी कुछ, तो अभी वो एक घट्टा भी अच्छे से सूखा नहीं। मम्मी कह रही थी कि आज धूप निकल जाएगी और आज ये अच्छे से सूख जाएगा, मतलब निकल गई थी। और अब इसको बस गट्टे में भर के शाम को रख देंगे। मैं कह ठीक है। तो अभी बस मैं फिर आके अपना खाना बनाने लगी हूँ दोपहर का। और दोपहर के खाने में आज मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी। काफी दिन बाद बनाई मैंने आलू टमाटर की सब्जी, बाकी मतलब पसंद तो है ही हमारे घर में सबको। थोड़ी सी रसे से वाली बनाई, बल्कि मम्मी टमाटर कम खाती है, मैंने फिर कम ही डाल लेते हैं। तो मम्मी कहती कि पतली सी बना लेना, मैं चूर का खा लूंगी। थोड़ा सा उनके दंतों में प्रॉब्लम है और उनको ना कह रहे कि ना दांतों को करवा लो, हर बार बोलते हैं जब भी यहाँ पे आती है मैं कि मम्मी ना ठीक करवा लो, लेकिन मैं करवाती नहीं। कहती हैं कि मेरा ना जी ख़राब होता है उनके डॉक्टरों की उनसे, मतलब अगर वे मुंह में लगाते हैं तो मम्मी का मन ना ख़राब हो जाता है। इस वजह से फिर मम्मी अपने दांत ठीक नहीं करवाती और सारे दांत इनके ख़राब हो गए। काफ़ी एक दो चार दांत ही बचे, वो भी ख़राब ही हो रहे हैं, जाड़ तो सारी निकल रही। खाना खाने में इनको बहुत दिक्कत होती है, इनको कई बार कह लिया मैंने कहा मम्मी दांत चढ़वा लो दूसरे, लेकिन ये कहती है कि ना मैं नहीं चढ़वाने की, और क्या नाम मेरा मन ख़राब होता है फिर मेरे से तो रोटी भी नहीं खाई जाने की। मैं कहा नहीं, ये शुरू शुरू में लगता है, जब लग जाएंगे फिर नहीं लगती, लेकिन ये मानते नहीं बिल्कुल भी। क्यों कह दी मेरा तो चल रहा जैसे भी कैसा काम, फिर भी दिक्कत तो होती है, खाना खाने में बहुत दिक्कत रहती है। मम्मी अगर गरम गरम सी रोटी तो खा भी लेती है, बाकी जैसा ठंडी हो जाती है ना तो वो नहीं खाई जाती, कड़ी सी चावल वगैरह ज़्यादा खा लेती है रोटी से ज़्यादा, तो वो दिक्कत तो रहती है। बाकी कुछ ऐसा जैसा मिठाई वगैरह बनाओ कुछ, उसमें भी बहुत दिक्कत रहती है मम्मी को। तो खैर जी ऐसे ही बड़े आदमी बस क्या कर सके, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा उन्हें ठीक लगे वो ऐसे ही करते हैं। हमारा काम है कहना, अगर मानना उनको करवाना तो है, अगर ना हम कर रहे जब तो हमारी गलती, लेकिन जब वे ही नहीं मानते, हर बार यही रहता है। सब ने कह के देख लिया कि मम्मी दांत चढ़वा लो, लेकिन वे नहीं मानती। तो यहाँ पे देखिए अब है, देखिए शाम का टाइम, खाना खुना खा के बर्तन करके मैं हमने आराम करा था थोड़ी देर, और अब शाम का टाइम। तो मैं कपड़े ले आई थी ऊपर से उतार के क्या, एक दिन पहले धुले हुए थे ये, तो यहाँ मेरा टाइम नहीं लगा था इनको धरने का। तो अभी मैं इनको तय करने वाले तय करूँगी और प्रेस वाले प्रेस करूँगी। और यहाँ बस मैं और मम्मी हम तीनों ही बैठे हैं, और पीयू आई थी स्कूल से अपने, इसका गेम था आज लेट आई थी, तो वो अपनी माँ जी के साथ बता रही, माँ जी पूछ रही कि क्या कैसा हुआ, तो वो सारा बता रही है अपनी माँ जी को कि ऐसा ऐसा हुआ वहाँ पे हो रही है था। और यहाँ पे देखिए ईशु ले आई है हमारे लिए चाय बना के। ईशु को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा अपनी माँ जी के लिए और मेरे लिए चाय बना दे, तो वो ले आई। और मम्मी कप में नहीं पीती तो वो कप में ही ले आई थी, फिर मम्मी ने ना गिलास मंगाया था कि गिलास ले आ, तो मैं गिलास से ही पीती हैं हमेशा। और आप कई बार कमेंट करते हो कि आपकी सांस क्यों हिलती रहती है, और मम्मी को ना ऐसी आदत सी हो रही कि मैं ना हिलती रहती हैं, पता नहीं किस वजह से, जैसा बैठी रहेंगी ना टीवी भी देखती हैं या हमारे पास भी आप देखते होंगे ज़्यादातर, तो ये हिलती रहती है, ऐसे आदत सी हो रही इन्हें इस वजह से। तो यहाँ पे बस देखिए मैं कपड़ों की तय कर रही, मम्मी के साथ बात भी कर रही, और बस अब मैं भी चाय पी लूँगी क्योंकि ठंडी होगी। मम्मी कह भी रही कि ठंडी होगी या पी लें, फिर मेरी भी ठंडी हो रही है, तेरी और ज़्यादा होगी होगी। तो यहाँ पे बस देखिए हम दोनों सास बहुओं की बातें चल रही, और हम ज़्यादातर जैसा काम पूरा दिन ना मेरा काम तो होता ही है, लेकिन पूरा दिन कैसा निकल जा मम्मी के साथ पता ही नहीं चलता, कुछ काम के साथ कुछ बातों में ऐसे ही निकल जाता है।
और सच में मेरी सास बहुत अच्छी हैं, अच्छी मतलब ये नहीं है कि भाई उन्हें, उनके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ, अपनी बता देती हूँ, वे भी मेरे साथ अपनी सारी बात शेयर करती हैं, किसी की भी कुछ भी काम करना नहीं करना, कुछ देना लेना हर काम में पूछती हैं हर बात में, तो अच्छा लगता है। देखिए जब भी हमें इतना समझ रही, हमें हमारा भी है कि भाई हमें भी उन्हें सम्मान देना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मम्मी को बिल्कुल भी कुछ मेरी तरफ से कमी ना लगे कि भाई आंसू ऐसे नहीं कर रही, ऐसा कर रही, तो हर टाइम मेरे दिमाग में यही रहता है भगवान बस कभी ना करवाना ऐसा। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, और दूसरा मैं जा रही हूँ ईशू की ड्रेस लेने के लिए, यूनिफॉर्म, इसकी वाइट यूनिफॉर्म लेके आनी, तो वो इसकी छोटी होगी और मैं कल पहन कर जानी, अभी मेरे हाथ आया, मैं कहा चल ले आते हैं, फिर परेशान रहती है, प्रेस के कपड़े मेरे आधे ही हुए, आधे रह गए, और फिर बर्तन वगैरह मैंने कर, किस लिए मेहंदी आती है तुझे लगानी? हाँ। अच्छा तो ईशु भी जा रही है हमारे साथ, और इधर है रूही और गुड्डू, तानी अपना पता नहीं क्या बना रही, गुड्डू आ रही इसमें लग रही कुछ प्रोजेक्ट है इसका, ये लग रही है बनाने के लिए, हुआ नहीं क्या अभी, यही रह रहा क्या बस, चल कर ला, तेरा हो गया रूही पूरा, ये अभी लग रही, तो हम जा रहे बस पालक लेकर आना तेरे लिए, तो और तो कुछ नहीं, तो चलो जी चलते हैं। तो हम बाजार से आ गए जी और सामान ले आए रखा, जरूरी जरूरी सा ही लेके आए, ज्यादा नहीं लाए, असल में गए थे मंडी, मंडी से लाना था हमें पालक, गुड्डू के कल स्कूल में एग्जीबिशन है तो उसमें चाहिए था, लेकिन पालक पूरी मंडी में घूम आए कहीं नहीं मिला, तो वो तो आया नहीं, फिर लौकी भर कर ले आए हैं, ये ले आए लौकी और क्या खीरे, लौकी लिया हमें बस ठाक है, नींबू अपना जूस का सामान लिया है, सुबह का जूस बना का जो लौकी का, और फिर ईशू का लिया है जो ड्रेस, जो उसकी व्हाइट वाली यूनिफॉर्म है उसका लोअर ये रहा, क्योंकि ये उसका ऊंचा हो रहा था बहुत, तो ये लेके आए बड़े व्हाइट वाला, टी शर्ट तो है उसकी थी, तो ये थोड़ा सा मैं ले गया रसोई का सामान जो ख़त्म हो रहा था, ज़्यादा नहीं लाई, जरूरी जरूरी सा लाई जो हो रहा था चाहिए था, मालगी नमक मिर्च जीरा धनिया गुड़ ये लेके आई, साबुन विम बार वगैरह, तो बस ये ले आई मैं, अब बनाऊंगी मैं खाना, मम्मी को पूछ रही क्या बनाऊं, मम्मी नु कह रही लौकी बना दूं क्या तेरे, है मम्मी फिर आप खा लोगे, ज्यादा नहीं मैं थोड़ी है सब्जी, तो फिर सबका पूरा पटाना पटा बनाऊ क्या लौकी, चल जाएगा बना लूंगा मैं काम, मम्मी तनु कह रही वहीं खा लेंगे, तो देख रही मैं अगर सब्जी में पूरा हो गया, रखी है असल में दोपहर की सब्जी आलू की, तो अगर उसमें हो गया तो वो ही खा लेंगे, वरना तो फिर मैं लौकी बनाऊंगी, तो बस मैं फटाफट पहले कपड़े बदलती हूँ, कपड़े बदल के फिर लगूंगी, क्योंकि गर्मी लग रही मुझे बहुत ज्यादा,